अगर विश्वविद्यालय को टॉप किया तो हमें पढ़ाने वाले प्रोफेसर ने, जो कल तक कहते थे कि बड़ा अच्छा विद्यार्थी है, उन्होंने कहा कि ये अहिरों के बच्चे गाय भैंस चराना छोड़ करके विश्वविद्यालय टॉप करने लगे तो हमारे बच्चे कहां जाएंगे। उस दिन मुझे लगा कि जाति कुछ और चीज होती है। तो हमें तो समझ में आ गया, हमने अपने पढ़ाई के दौरान सीख लिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति जब मुख्यमंत्री बना और मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई और उनका घर जब गंगा जल से शुद्ध कराया गया, तब उन्हें समझ में आया कि हम तो अपने को अगड़ा समझते थे, हमें तो पिछड़ा बना दिया इन्होंने। अगर वो अमित शाह का बेटा है तो जय शाह बन करके करोड़ों रुपए की कंपनी एक साल में खड़ी कर लेगा, बीसीसीआई का चेयरमैन बन जाएगा। तो ये अमित शाह के बेटे को क्यों नहीं चिंता है कि हिंदू धर्म खतरे में, उसको बचाने जाना है। ये कहते हैं रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, हमारे पुरखों ने मंदिर की लड़ाई नहीं लड़ी थी। मैं तो अभी टेम्परेरी प्रोफेसर हूं, मैं चाहूं तो कहूं कि आरएसएस इस देश और दुनिया का सबसे अच्छा संगठन है तो मुझे परमानेंट कर देंगे। मैं अगर उनकी तारीफ के कसीदे पढ़ूं कि हिंदू खतरे में है, हिंदू राष्ट्र भारत को बनना चाहिए, तो मुझे वाइस चांसलर बना देंगे। लेकिन वो प्रोफेसरी और वाइस चांसलरी किस काम की कि मैं अपने समाज के आगे आकर के उनसे आंख में आंख डाल करके बात भी ना कर सकूं? किस बात की वो प्रोफेसरी होगी, किस बात का मैं वाइस चांसलर होगा? मैं यही आजमगढ़ का रहने वाला हूं, पड़ोसी जिला। एक जमाने में ये मऊ जिला भी आजमगढ़ का ही हिस्सा हुआ करता था। दो तीन जिलों के छोटे छोटे हिस्सों को जोड़ करके इसे एक अलग जिला बनाया गया। और अमूमन पूर्वांचल में आप कई सौ किलोमीटर के यात्रा करिए, यहां लगभग एक जैसी ही परिस्थितियां मिलेंगी, लगभग एक जैसी परिस्थितियां। गांव भी वैसे, गांव की बनावट भी वैसी, गांव में लोगों की बातचीत भी वैसी, थोड़ा बहुत भाषा का अंतर होता है, मिठास थोड़ी बढ़ती जाती है जब इधर पूरब की तरफ बढ़े तो मिठास थोड़ी बढ़ती है। मैं तो आजमगढ़ में हूं, उधर अवधि का थोड़ा टच है। लेकिन उसके साथ साथ जो गांव में बस्ती आज भी जातियों के हिसाब से बनी होगी वो यहां भी मिलेगी। दलित बस्ती अगर है तो वो कैसे दक्षिण और पश्चिम के कोने पर ढकेली जाएगी? ये अमूमन गांव में निकलते चले जाइए, आपको ये चीज मिलेगी। बारिश के समय में आज भी सबसे ज्यादा खराब सड़कें उन्हीं बस्तियों के मिलेंगी, या अति पिछड़ी जातियों की जब जहां बस्तियां हैं। मैं अपने गांव से लेकर के बाहर तक जब भी जाता हूं, रिश्तेदारी में जाता हूं, तो ये देखता हूं आज भी किनके घरों में कच्चे मकान बचे हुए हैं, रहने को घर नहीं। आज भी किनके बच्चे स्कूल और विश्वविद्यालय जाने की उम्र में मजदूरी करने जा रहे हैं। ये देखेंगे आप कि जातिवार आप आंकड़े निकाल कर देखिए तो 90% जो बहुजन समाज है उनके घरों की स्थितियां लगभग 90% ऐसी है। तो शिक्षा, बेरोजगारी, बीमारी, ये सब चीजें आज भी वहीं की वहीं पड़ी हैं। और हमारे सामने यह कहा जा रहा है कि विकास हो रहा है, तो विकास का मतलब क्या बता दिया गया? सड़कें चमचमाती हुई, 4 लेन 6 लेन सड़कें बनाई जाएंगी, और सड़क की तस्वीर दिखाकर कहा जाएगा विकास हो रहा है। तो हम एक सवाल पूछते हैं कि उस सड़क पर चलेगा कौन? ये तो सवाल हमारा है ना। हमारे लोग तो गांव की पगडंडियों से चल करके जिसके पास थोड़ा बहुत खेत है वो खेत में जा रहा है, मजदूरी कर रहा है, जिसके पास खेत भी नहीं है वो कहीं और जाके मजदूरी कर रहा है, दूसरे के खेत में मजदूरी कर रहा है। तो ये 4 लेन 6 लेन सड़कों पर एक्सप्रेस वे पर चलता कौन है, ये हमारा सवाल है।
आप कहते हैं विकास का मतलब सड़कें, आप कहते हैं विकास का मतलब चमचमाती हुई इमारतें, कल कारखाने, हम कहते हैं विकास का मतलब, ये माता सावित्री बाई की तस्वीर यहां लगी हुई है उसका कोटेशन, कि वो लोग मेरे ऊपर पत्थर कीचड़ गालियां फेंकते चले गए और मैं इस भारत की बेटियों को पढ़ाती चली गई। तो जो सावित्री बाई फूले और फातिमा शेख का संघर्ष था, जो ज्योतिबा फूले और उस्मान शेख का संघर्ष था, वो संघर्ष किस चीज के लिए था? शिक्षा के लिए। तो अगर आप कह रहे हो कि सबका साथ सबका विकास, तो पहली बात ये झूठी है कि इस देश में आज भी सबसे ज्यादा हत्या, बलात्कार, शोषण, अन्याय का शिकार कोई है तो वो बहुजन तबका है। इसलिए नारे की पहली लाइन झूठी है, सबका साथ नहीं है इसमें। और दूसरी बात, सबका विकास, तो विकास मतलब क्या? तो विकास मतलब सड़कें, विकास मतलब चमचमाती इमारतें, विकास मतलब होर्डिंग, विकास मतलब प्रचार। हम कह रहे हैं ये झूठ है। विकास हम तब कहते जब हर एक गांव में एक ऐसा सरकारी स्कूल बन जाता जो सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, उस्मान शेख और ज्योतिबा फूले के सपनों का विद्यालय होता, तब हम कहते कि हाँ ये सबका विकास है। आज सरकारी स्कूलों में किसके घरों के बच्चे पढ़ने जा रहे हैं? जिसके घर में प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए फीस के पैसे नहीं है, उन्हीं के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। और आप आंकड़े निकाल करके देखिए, 90-99% बच्चे दलित, पिछड़े, आदिवासी घरों के हैं जो आज देश के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। सरकारी विश्वविद्यालयों में कौन पढ़ रहा है? तो शिक्षा मुझे लगता है कि वह मिशन है जो फूले और डॉक्टर अंबेडकर का मिशन है। इन्होंने कहा शिक्षित बनो। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, मैं इसी आजमगढ़ जिले का रहने वाला था। हम लोग बचपन में गाय भैंस चराया करते थे और हम लोग तो चलो उस जाति से थे जिसको सीधे सीधे जाति के नाम पर शोषण करना नहीं सुना गया। हम लोग ओबीसी की वे जातियां थे जो थोड़ी संख्या में ज्यादा थी, थोड़ी जमीनें उनके पास थी, तो उनको हमें पता ही नहीं था जाति क्या होती है। लेकिन हम जब बाहर निकल के इलाहाबाद विश्वविद्यालय तक गए और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अपनी मेहनत से, संघर्ष से अगर विश्वविद्यालय को टॉप किया, तो हमें पढ़ाने वाले प्रोफेसर ने, जो कल तक कहते थे कि बड़ा अच्छा विद्यार्थी है, उन्होंने कहा कि ये अहिरों के बच्चे गाय भैंस चराना छोड़ करके विश्वविद्यालय टॉप करने लगे तो हमारे बच्चे कहां जाएंगे। उस दिन मुझे लगा कि जाति कुछ और चीज होती है। तो हमें तो समझ में आ गया, हमने अपने पढ़ाई के दौरान ही सीख लिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति जब मुख्यमंत्री बना और मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई और उनका घर जब गंगा जल से शुद्ध कराया गया, तब उन्हें समझ में आया कि हम तो अपने को अगड़ा समझते थे, हमें तो पिछड़ा बना दिया इन्होंने। मुझे लगता है कि अगर शिक्षा सबको मिली होती, स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक सबके लिए होते, तो इस देश में हमारे बहुजनों के बच्चे इतने तैयार होते कि आज इस सभागार में नौजवानों की भीड़ बुजुर्गों और अधेड़ लोगों से ज्यादा होती। हमारे बच्चे आज कहीं और हैं और नई शिक्षा नीति के तहत अब इस देश में विश्वविद्यालय और स्कूली शिक्षा को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। और आज इस मंच, जो एक वैचारिक मंच है, जो एक मिशन का मंच है, वहां इस बात को पूरा पुख्ता तरीके से उठाने की जरूरत है। आज इसे पूर्वांचल के इलाके में अभी राजनीतिक दलों के जब चुनाव प्रचार होंगे, करोड़ों की रैलियां होंगी, बड़े बड़े मंचों से बड़ा बड़ा झूठ बोला जाएगा, वहां भीड़ होती है, वैचारिक कारकों में थोड़े से लोग होते हैं। लेकिन इस बात का इतिहास गवाह है, बाबा साहब तो एक थे ना, महात्मा फूले उस जमाने में एक थे ना, जिन्होंने घर से बगावत की कि मुझे दलित पिछड़े बच्चों को पढ़ाना है, मुझे इस पूरे इलाके से पाखंड को दूर करना है।
आज हम उन्हें याद करते हैं। 200 साल बाद, 300 साल बाद महात्मा कबीर तक जाएं तो 700 साल बाद और तथागत बुद्ध तक जाएं तो हजारों साल बाद हम उन्हें याद करते हैं। वो लोग भी तो एक व्यक्ति थे ना, जो व्यक्ति से निकलकर विचार बन गए। और आज भी हम कहते हैं कि हमें बुद्ध का भारत बनाना है, हमें कबीर रैदास के सपनों का भारत बनाना है, फूले अंबेडकर पेरियार लोहिया कांशीराम के सपनों का भारत बनाना है, जिन्होंने बाम सेब का नाम दिया था, ठाकुर बाभन बनिया छोड़ बाकी सब है DS4। भाई ये तो तेवर था। आज हम कह रहे हैं तथागत बुद्ध के नारे बहुजन से हम सफर शुरू करते हैं और चले जाते हैं सर्वजन पर। समाजवाद की पृष्ठभूमि में दलित पिछड़े किसान कामगार जातियों की बात थी ना, और वो समाजवाद कहां चला गया? तो आज तो जरूरत इस बात की है कि सच को लोगों के बीच बचाया जाए, और चुनाव की वो लाखों की भीड़ करोड़ों रुपए खर्च करके जो जुटाई जाएगी, मैं कहता हूं उससे ताकत ज्यादा इस छोटे से समुदाय में है, क्योंकि इनके पास विचार है, इनके पास दूरदृष्टि है, इनके पास सपना है। उनके पास क्या है? वो तो भीड़ है, और जमहूरियत में भीड़ का बड़ा महत्व हो गया है। लेकिन मैं तो अभी इस मंच पर आकर के ऊर्जावान महसूस करता हूं कि ऐसे लोग जब पूर्वांचल में इस तरह से काम कर रहे हैं, तो ये वही पूर्वांचल की जमीन है जहां कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगा नहीं होने की कोशिश कर, दंगे कोशिश की गई इसी मऊ गाजीपुर के इलाके में, खूब कोशिश की गई, लेकिन कभी यहां के लोगों में नफरत नहीं थी, क्योंकि यहां के लोगों को यह बात पता थी, बेशक वो बाम सेब से ना जुड़े हो, बैकवर्ड माइनॉरिटी जो एम्प्लॉयज एसोसिएशन है, अगर सारे लोग उससे जुड़े नहीं है, लेकिन ये मानवर कांशीराम की जमीन तो है, लोहिया की जमीन तो है, यहां सांप्रदायिकता नहीं थी, और आज यहां पर सांप्रदायिक जहर बोया जा रहा है। किसके लिए? दलित पिछड़े आदिवासी घरों के नौजवानों के लिए बोया जा रहा है, क्योंकि उनके घर का बच्चा अगर वो अमित शाह का बेटा है तो जय शाह बन करके करोड़ों रुपए की कंपनी एक साल में खड़ी कर लेगा, BCCI का चेयरमैन बन जाएगा। तो ये अमित शाह के बेटे को क्यों नहीं चिंता है कि हिंदू धर्म खतरे में, उसको बचाने जाना है? ये तमाम लोग जो नेता बने बैठे हैं, अंबानी और अडानी, ये सारे लोग किसके घरों के लोग? इनके लिए हिंदू धर्म खतरे में नहीं होता है। और जब दलित पिछड़े आदिवासी लोग शिक्षा और रोजगार की बात करते हैं, जाति के नाम पर शोषण के खिलाफ खड़े होते हैं, फूले अंबेडकर पेरियार के सपनों का भारत बनाने की शुरुआत करते हैं, तो हिंदू धर्म खतरे में हो जाता है? ये कहते हैं रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, हमारे पुरखों ने मंदिर की लड़ाई नहीं लड़ी थी, हमारे पुरखों ने स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय की लड़ाई लड़ी, हमारे पुरखों ने आत्मसम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी, हम तो पेरियार की विरासत के लोग हैं, उन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन खड़ा किया। अच्छा आप लोग बताइए, आप लोगों के घरों के आसपास अनगिनत मंदिर है कि नहीं है? ढेर सारे मंदिर है, गांव गांव सड़क चौराहे मंदिर बने हुए हैं। अगर उन मंदिरों से दलित पिछड़े आदिवासी घरों के बच्चों का कल्याण होना था तो आज तक हो जाना चाहिए था। आज भी सबसे ज्यादा गरीब किन तबके के लोग हैं, अशिक्षित किस तबके के लोग हैं, बेकार किस तबके के लोग हैं, बीमार किस, दवाई नहीं दे पाए, और इस कोरोना में सबसे ज्यादा पैदल चल करके लाखों लाख लोग जो हजारों किलोमीटर पैदल चल के आए वो किनके घरों के लोग थे? ये सब किसान कामगार कमेरा जाति के लोग थे, ये बहुजन लोग थे। तो आज ये देश किसका है? जब पढ़ाई सिंचाई और दवाई नहीं दे पाए तो ये किस बात का राष्ट्र है और किस बात का इसके इसके ऊपर गर्व किया जाए? हमें तो आज ये संकल्प लेने की जरूरत है कि हमारा राष्ट्र बिरसा फूले अंबेडकर पेरियार के सपनों का राष्ट्र होगा, तब हम कहेंगे कि यह संविधान के सपनों का राष्ट्र। तो सबसे पहली बात शिक्षा, दूसरी बात दवाई, अब स्वास्थ्य की सुविधा को भारत का संविधान देता है। बाबा साहब ने कहा कि डिग्निटी, लाइफ की डिग्निटी होनी चाहिए। हमें शिक्षा से वंचित कर दिया, हमें रोजगार से वंचित कर दिया, हमें बुनियादी स्वास्थ्य की सुविधाओं से वंचित कर दिया। स्कूल और अस्पताल की इमारतें जाकर देख लीजिए, वो इमारतें जितनी जर्जर है ना,
उतना ही बहुजन समाज को जर्जर किया गया है। और इस देश में मुनाफा कुछ चंद लोगों के पास संकेंद्रित कर दिया गया है। और अभी हमारे दोस्त ने वो बात कही कि पूरे देश को अब उन लोगों के हाथों बेचा जा रहा है। तो ये जो जितने दलित पिछड़े आदिवासी नेता हैं, ये निजीकरण के खिलाफ इस देश में आंदोलन क्यों नहीं कर रहे? हमारा काम है ये सवाल उनसे पूछें, हमारा काम है उनसे ये सवाल पूछें कि आरक्षण पर जब हमला किया गया और जिनसे जातियां नहीं पूछी गई थी, अपनी जाति उस सेल्फ मेड ओबीसी ने बताई जब वो प्रधानमंत्री पद का दावेदार था, तो इस देश को बता रहा था कि मैं तो पिछड़ी मां का बेटा हूं। तो जब पिछड़ी मां के बेटे हो तो इस देश में SC ST एट्रोसिटी एक्ट के साथ खिलवाड़ तुम्हारे शासनकाल में, 13-point roster तुम्हारे शासनकाल में आया, तुम्हारे शासनकाल में आरक्षण का हमला किया गया, आरक्षण को खत्म किया गया। और अब पूरे देश को उसने नारा दिया था कि वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और एक एक करके उसने पूरा देश अपने दोस्तों के हाथ बेच दिया। और पूरा देश बेचने के बाद आरक्षण कहां बचेगा, क्योंकि निजी क्षेत्र में आरक्षण तो दिया नहीं। तो ये जो खुद को पिछड़ा बताया था, जिसको राष्ट्रपति बनाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी जाति बताते हो कि हमने दलित व्यक्ति को राष्ट्रपति बना दिया, किसने पूछा था तुमसे वो जाति बताने के? अब तुम बताते हो कि 27 OBC 12 SC ST को हमने मंत्री बना दिया। अरे तो हिम्मत है तो पहले क्यों नहीं बताया कि अगर 50 मिनिस्टर थे तो उसमें से 45 ब्राह्मण मिनिस्टर बनाया था, क्यों नहीं बताया पहले? यानी आपको झूठ बोला जाएगा कि देखिए आपके लोगों को हमने सत्ता में भागीदारी दी। तो हमारे भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर वो हमारे लोग हैं तो बहन बेटियों के बलात्कार पर, हाथरस पर क्यों नहीं बोले, निजीकरण पर क्यों नहीं बोलते, आरक्षण को खत्म किया जा रहा है क्यों नहीं बोलते? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि माननीय कांशीराम की सबसे ज्यादा इज्जत जिस बात के लिए करता हूं, उन्होंने मिशन का काम किया था और बाम से सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन का संगठन, राजनीति तो इसका बाई प्रोडक्ट है। और अब क्या हो गया है कि हमने मान लिया है कि राजनीति ही सब कुछ है। जब राजनीति को सब कुछ मान लेंगे, राजनीति बहुत बड़ी चीज, वहां एक सिग्नेचर से इस उत्तर प्रदेश के लाखों लाख लोगों को रहने के लिए घर मिल जाता है, एक सिग्नेचर से फेलोशिप मिल जाती है आपके बच्चों को। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, वहां फेलोशिप नहीं मिलती। हमारे घरों के बच्चे जब जाते हैं तो उनकी जाति पूछ करके उनसे इंटरव्यू में नंबर कम दिया जाता है, उनको रिसर्च करने के लिए एडवाइजर नहीं मिलता, जाति के नाम पर भेदभाव किया जाता है। और वहां भी जाकर के कहते हैं कि अगर मान लीजिए पूरे विभाग में एक प्रोफेसर ओबीसी है, एक दलित है, और कोई बच्चा आया एडमिशन लेने, तो उससे कहते हैं कि अच्छा तुम दलित हो तुम तो फलाने के पास जाओ, तुम ओबीसी हो तुम उनके पास जाओ। यही विश्वविद्यालय आपने बनाया है, ये मनुस्मृति के सपनों का है विश्वविद्यालय, हमें बाबा साहब अंबेडकर के सपनों के संविधान का विश्वविद्यालय और स्कूल चाहिए थे, वो नहीं बना। तो ये बात मैं कह के जा रहा हूं कि बाबा साहब के सपनों का भारत ये था कि समाज को इतना ताकतवर बनाइए कि आपका समाज अगर नेता बिक जाए, नेता मिशन और आंदोलन के काम से किनारे हो जाए, तो समाज नया नेता पैदा कर दे। नेता के गुलाम क्यों हो? लेकिन हम समाज को आंदोलित करने में, हम समाज को जागरूक करने में कई बार चूक। और बुद्धिजीवी तबके, मैं तो अपने को बुद्धिजीवी नहीं मानता, अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं सीख रहे हैं, लेकिन इस समाज में बाबा साहब ने एक ख्वाब दिया था, पे बैक टू सोसाइटी। अगर हमारे पास पैसा है और उस पैसे का एक हिस्सा समाज के काम में नहीं लग रहा है, और हमने आरक्षण का लाभ लिया है, हमने बिरसा फूले अंबेडकर के मेहनत से जो देश बना है उसका लाभ लिया है, तो हम तो दगाबाजी कर रहे हैं अपने समाज से। मैं प्रोफेसर बनकर के वहां बैठ जाऊं और मोटी तनख्वाह पाऊं और चापलूसी करूं कि अगली बार मुझे वाइस चांसलर बना दो, मैं तो अभी टेम्परेरी प्रोफेसर हूं। मैं चाहूं तो कहूं कि RSS इस देश और दुनिया का सबसे अच्छा संगठन है, तो मुझे परमानेंट कर देंगे। मैं अगर उनकी तारीफ के कसीदे पढ़ूं कि हिंदू खतरे में है,
हिंदू राष्ट्र भारत को बनना चाहिए तो मुझे वाइस चांसलर बना देंगे, लेकिन वो प्रोफेसरी और वाइस चांसलरी किस काम की कि मैं अपने समाज के आगे आकर के उनसे आंख में आंख डाल करके बात भी ना कर सकूं? किस बात की वो प्रोफेसरी होगी, किस बात का मैं वाइस चांसलर होगा? मुझे तो इनके आंखें आंख सामने आकर के जब लोग कहते हैं कि हम आपका यूट्यूब चैनल सुनते हैं, सामाजिक न्याय की पाठशाला में सुनते हैं कि आपने शिवदयाल सिंह चौरसिया पर एक वीडियो बनाई है, और पिछड़े तबके के लोगों के बीच जाकर मैं कहता हूं कि वो लोग शिवदयाल सिंह चौरसिया को क्यों भूल गए? चौधरी छोटू राम का जिक्र हमारे दोस्त कर रहे थे, उन्होंने कितना अच्छा शब्द दिया है, कमेरा जाति के लोगों बस दो काम कर लो, अपना दुश्मन पहचान लो और बोलना सीख लो। भूल गए लोग चौधरी छोटू राम, और चौधरी छोटू राम के वंशज हिंदू बन गए, वो जाट गुर्जर जातियां हमारे तमाम जातियां छत्री बन गई। हमारे बाबू जगदेव प्रसाद ने, हमारे रामस्वरूप वर्मा जी ने हमें क्या कहा था कि हम श्रमजीवी लोग हैं, और 90% श्रमजीवी लोगों के शोषण 10% परजीवी लोग करते हैं, और आज हमें कुर्सी पानी है तो हम कहते हैं कि परजीवी अगर हमें वोट दे देगा तो हम 22 में उत्तर प्रदेश में सरकार बना लेंगे। अरे 90% कमेरा श्रमजीवियों का वोट लेने में अगर आप नाकाम हो गए तो आप किस बात की राजनीति कर रहे हैं? ये 90% आपकी जनता थी, आपकी जनता आपसे नाराज हो गई क्योंकि आपने उनको भरोसा नहीं जीतने में सफलता हासिल की। तो मैं जब अपना काम करता हूं तो वो इसलिए कि मैं बाब सेम के मंच पर आकर दमदारी से ये कह सकूं कि मैंने अपना जमीन किसी के सामने गिरवी नहीं रखा कि मुझे व्यक्तिगत लाभ मिल जाए, क्योंकि हम आज यहां हैं तो बिरसा फूले अंबेडकर और पेरियार की वजह से हैं, भारत के संविधान और मंडल कमीशन की वजह से हैं, इस बात को हम कबूल करते हैं। इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कल आजमगढ़ में एक सभा में बोल रहा था, वहां भी मैंने ये बात कही कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि नई शिक्षा नीति की आड़ में आपके बच्चों के भविष्य को हमेशा के लिए तबाह कर दिया गया, पूरे देश को अंबानी और अडानी के हाथों बेच करके बिरसा फूले अंबेडकर के सपनों की हत्या कर दी गई है। अब कहीं आरक्षण नहीं बचा है। आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी कि हमारी शिक्षा बेच दी, हमारा रोजगार बेच दिया, हमारी जमीन किसानों की बेच दी, मजदूरों के ऐसे प्रावधान बना दिए कि मजदूर तो व्यवसायी का गुलाम बन गया है, तो न खेती बची, न किसानी बची, न शिक्षा बची, न दवाई बची, न रोजगार बचा। तो ये बाबा साहब अंबेडकर फूले पेरियार के सपनों के भारत बनाने वाली बात तो छोड़ दीजिए, आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी कि तुम्हारे सामने ये सब हो रहा था, तुम क्या कर रहे थे? तो कम से कम हम ये कह सके कि हम बाम साहब के मंच पर खड़े होकर लोगों से अपील कर रहे थे कि जागिए इससे पहले कि जागने की नौबत ही न बचे। केवल इसलिए हम आपके बीच में आए हैं, हमारी आवाज थोड़ी है, इस मंच पर थोड़े से लोग हैं, लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं, भीड़ कभी भी वैचारिक आंदोलन में नहीं आती। वैचारिक आंदोलन में अगर एक व्यक्ति भी रीढ़ से तन कर खड़ा है तो वो लाखों की भीड़ पर भारी पड़ेगा। इसलिए आप उस तेवर के लोग हैं, अपने गांव में चलिए, मैं भी चलूंगा। मैं इसीलिए आया, मैं अमूमन बचता था, मेरी नौकरी छीन लेंगे, वो कहेंगे कि तुम कहां जाके भाषण दे रहे हो, और वो हिंदू धर्म के खिलाफ, अरे काहे का हिंदू धर्म? अगर इस पिछड़े वर्ग के लोग हिंदू थे तो 2020 में देश के 48 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में केवल 9 प्रोफेसर ओबीसी के क्यों हैं? जज ओबीसी दलित के क्यों नहीं है? व्यवसायी क्यों नहीं है? अंबानी अडानी हमारे घरों में क्यों नहीं पैदा हुए? अगर सब हिंदू थे तो हमारा हक किसने छीना? तुम्हारी लक्ष्मी की देवी अगर धन की देवी थी तो दलित पिछड़े और अति पिछड़े के घरों में धन क्यों नहीं आया? अगर सरस्वती विद्या की देवी थी तो सरस्वती ने दलित पिछड़े आदिवासी बच्चों की शिक्षा का इंतजाम क्यों नहीं किया? ये झूठ बोलते हो, ये कोई हिंदू धर्म हमारा नहीं है। हम सब किसान कामगार कमेरा जाति के लोग हैं, श्रमजीवी जाति के लोग हैं। हमें तुमने झूठ बोलकर केवल दंगा में इस्तेमाल किया है, मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया है। आइए मुट्ठी बांधे और कहें
कि पिछड़े वर्ग के लोगों से भी ये अपील करता हूं कि दलित बस्तियों के सामने खड़े हो जाओ कि पूरे गांव में एक भी दलित या अति पिछड़े के साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। ये है आपकी जिम्मेदारी। अपने गांव के चौराहे पर खड़े होकर कहिए अपने इलाके में एक भी मुसलमान की लिंचिंग नहीं होने देंगे। यह है हमारी जिम्मेदारी। हमारे सपनों के भारत में मोहब्बत है और उसी मोहब्बत की वजह से मैं जाते जाते आपसे यही अपील कर रहा हूं कि हमारे पुर के शिक्षा के लिए लड़े, हमारे पुर के स्वाभिमान के लिए लड़े। अगर जाति जनगणना नहीं होती है तो इस देश में जनगणना नहीं होनी चाहिए, यह हम संकल्प लें। और जाति जनगणना क्यों? क्योंकि मैं तो कह रहा हूं दलितों और आदिवासियों की जनगणना होती है, लेकिन मैं तो गर्व से कह सकता हूं ना कि जब एससी एसटी एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट के खिलाफ जब छेड़खानी हुई तो इस देश का पिछड़ा समाज पहली बार दलित समाज के साथ सड़क पर खड़ा था। यह ताकत की बात थी। रोस्टर जब छीना गया, 13 पॉइंट रोस्टर आया, तो दलित पिछड़े आदिवासी पसमांदा एक साथ मुट्ठी बांध करके सड़कों पर खड़े होकर के दो बार इस 56 इंच की सरकार को झुकने पर मजबूर किए, एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट पर और 13 पॉइंट रोस्टर पर। यह हमारी ताकत। और उसके बाद जब नींद में ओबीसी आरक्षण नहीं था तो इस देश के दलितों ने आवाज उठाई कि ओबीसी को नीट में आरक्षण देना चाहिए। यह हमारा भारत। और आज मैं जाति जनगणना के सवाल पर बुलंदी से कह के जा रहा हूं कि जाति जनगणना का सवाल तो दलितों और आदिवासियों का नहीं है ना, उनकी तो गिनती होती है, लेकिन इस देश का एक जागरूक बाबा साहब को मानने वाला दलित आज आप कहीं भी उससे पूछ कर देखिएगा, वो कहेगा कि जाति जनगणना होनी चाहिए, हम उसके लिए लड़ रहे हैं। ये हमारी ताकत। जाति जनगणना के लिए बोलने वाले लोग सब लोग हैं और जाति जनगणना का मकसद केवल ये है। वो कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे जाति जनगणना, हम नहीं बताएंगे पिछड़ों की आबादी कितनी है। हम तो कह रहे हैं हम तुमसे कहेंगे आखिरी दम तक कि तुमको बताना पड़ेगा। अगर नहीं बताना है तो एक काम कर दो, इस देश में सवर्णों की आबादी कितनी है यही गिनती करा लो। कितने परसेंट सवर्ण है, कितने उनके पास शिक्षा है, कितना नौकरी है, कितना व्यवसाय है, कितना क्या है। और फिर ये पता चले कि 3% लोगों ने 90% इस देश को अपना कब्जा कर रखा है। सत्ता संसाधन में हिस्सेदारी कहां है हमारी? तो हमारे लोग शिक्षा के लिए लड़े, हमारे लोग जमीन के लिए लड़े, हमारे लोग किसानी के लिए लड़े, हमारे लोग आत्मसम्मान के लिए लड़े, अपने वजूद के लिए लड़े। और हम हिंदू धर्म के लिए लड़ेंगे? कदापि नहीं। हम बाबा साहब के संविधान और मंडल कमीशन की रिपोर्ट, मैं तो लोगों के बीच जाकर पूरे दिलेरी से कहता हूं कि बाबा साहब के संविधान ने हमें बोलने की ताकत दी और मंडल कमीशन की रिपोर्ट ने आंख दिखाने की हिम्मत दी। ये हमारी ताकत है। तो हमारे घरों में रामचरितमानस, गीता बाइबिल को किनारे करने की जरूरत है, संविधान और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को सामने रखने की जरूरत है। शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय और इस देश की संपत्ति में हमारी हिस्सेदारी, ये हमारे सवाल है। इस पर बामसेप लगातार लड़ रहा है। मैं इनके पिछले कार्यक्रम में हरियाणा में भी गया था और हमारे सम्मानित सर वहां पे थे। मैं बहुत खुशी और एहतराम के साथ कह रहा हूं कि आप सबको सल्यूट कर रहा हूं कि आप वो लोग हैं जिनमें संभावना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विकल्प और उससे ज्यादा अच्छा विकल्प बनने की। बामसेप के लोगों में वो ताकत है। बामसेप एक सांस्कृतिक वैचारिक संगठन है और यह संगठन इस देश को एक वैचारिक दिशा दे सकता है। वो तोड़ने के लिए जब एकजुट हो सकते हैं तो हम जोड़ने के लिए एकजुट क्यों नहीं हो सकते? हम सब एक हैं। हम सब एक होकर के दलित, पिछड़े, आदिवासी, पसमांदा और महिलाओं को एकजुट करें। हमारे पुरखों ने इस देश को बनाया, हम इस देश को बचाएंगे, आने वाली पीढ़ियों को बताएंगे कि जब सब बर्बाद हो रहा था तो मऊ के कॉलेज में बैठ करके ये चिंता की जा रही थी कि बिरसा फूले अंबेडकर पेरियार के सपनों को कैसे बचाना है। आपने मुझे आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, द न्यूज़ स्पीक के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं